यूज ऑफ को इन हिंदी. को इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. मैंने एक किताब पढ़ी है. आई हैव रेड अ बुक. अनलेस मेंशनिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. मैंने इस किताब को पढ़ा है. आई हैव रेड दिस बुक. को इज यूज विद लिविंग ऑब्जेक्ट्स. देवकी को बुलाओ. कॉल देवकी. वह गाय को देख रही है. शी इज लुकिंग एट द काउ. यशोदा कन्हैया को नहलाएगी. यशोदा विल बेथ कन्हैया. वेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ आर इन द सेंटेंस एंड बोथ आर लिविंग, then को follows both of them. तुम कन्हैया को मुझको दो. you give कन्हैया to me. उसने अपने बच्चे को हरि को दे दिया. she handed over her baby to Hari. direct and indirect object in the sentence. One is non-living. Then को follows the living object. तुम कन्हैया को किताब दो. You give the book to Kanhaiya. उसने files हरी को दे दी. She handed over the files to हरी.